विजय, अच्छा मैम, आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जांपल है, अलजेब्रिक प्रॉब्लम है। गिवन है ए डिवाइड बाई 5 इक्वल्स बी डिवाइड बाई 7 इक्वल्स सी डिवाइड बाई 11। और यहाँ पर ए बी सी तीनों का मल्टीप्लिकेशन है 3080। तो हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी का वैल्यू सेपरेट क्या होता है। तो गिवन, और एक बार नोट डाउन कर लेंगे, ए डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल्स सम कॉन्स्टेंट के, समझ लीजिए। तो इसका मतलब ए डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू के हो जाएगा और बी डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू के हो जाएगा और नेक्स्ट सी डिवाइडेड बाई 11 इक्वल्स के बनेगा, ठीक है। तो k डिवाइड बाई 1 समझ लो, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो ये इक्वल्स 5 इंटू के बनते। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो b इक्वल्स 7 इंटू के बनेगा और नेक्स्ट यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो c इक्वल्स 11 इंटू के बनेगा, राइट। तो हमें मालूम है ए बी सी का तीनों का मल्टीप्लीकेशन 3080। तो हम तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर मल्टीप्लाई ए बी सी का अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 5k टाइम्स 7k टाइम्स 11k, ओके। तो इक्वल्स ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स तीनों का मल्टीप्लिकेशन 5k इंटू 7k इंटू 11k, इन तीनों का अगर मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें मिलेगा 385 k³, यानी 3 times k, k। तो ए बी सी का वैल्यू हमें गिवन है 3080, तो 3080 लेफ्ट साइड में पुट करेंगे तो इज इक्वल टू 385 times k³। तो ये कर के क्यू को हमें वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ 385 हमें डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, तब हमें के का के क्यूब वैल्यू मिलेगा। ये तो दोनों कट हो जाएगा, तो 3080 डिवाइडेड बाई 385। हम यहाँ पर देखेंगे 3080 डिवाइडेड बाई 385 क्या क्या होते हैं। तो 5 से तो डिवाइड होते हैं, ये 5 7 जार 35 डिवाइडेड में 77 आएगा, 5 से अगर डिवाइड किया, यहाँ पर 5 6 जार 30 5 1 जार 5 5 6 जार 30 616 डिवाइड बाई 77 हो गया। तो 77 है यहाँ पर 11 से मल्टीप्लीकेट हो जाता है डिवाइड, तो 11 7 जार 77 बनते हैं। यहाँ पर 11 5 जार 66 यहाँ पर 6 हो गया और 66 रहेगा, 11 5 जार 55 सॉरी, तो यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 6, तो 66 बन गया 11 6 जार 66। तो यहाँ पर 56 डिवाइड बाई 7 मीन्स 8 बनते हैं, राइट। यानी 3080 डिवाइड बाई 385 मीन्स 8। तो के क्यूब इक्वल्स 8 बन रहे हैं, तो हमें चाहिए यहाँ पर k का वैल्यू। तो दोनों तरफ अगर क्यूबिंग किया दोनों कट हो गया, तो k इक्वल्स हमें मिलेगा 2, राइट। तो हमें वैल्यू मिला k इक्वल्स 2। तो हम सेपरेटली हम सबका वैल्यू अभी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल्स 5k है और b इक्वल्स 7k है और c इक्वल्स यहाँ पर 11 into k है, राइट। तो k का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट किया तो ये इक्वल्स 5 into 2 होते हैं, तो ये इक्वल्स 10 बनेगा, यानी a का वैल्यू 10 मिला। तो नेक्स्ट यहाँ पर b इक्वल्स 7 into 2 बनते हैं, तो b का वैल्यू यहाँ पर 14 बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट c इक्वल्स 11 into 2 बनते हैं, तो c इक्वल्स 22 बनेगा। तो इसका मतलब a इक्वल्स 10, b इक्वल्स 14, c इक्वल्स 22। इस इक्वेशन का वैलिड सॉल्यूशन है। राइट, तो यही आंसर मैं इधर रखता हूँ, 10, 14 और 22। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।